यहाँ पे मैं कुछ सजेस्ट तो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मेरे माइंड में एक चीज होती थी, मेरा वाला क्वेश्चन। ये तीन वर्ड मेरे माइंड में हमेशा चलते थे, मेरा वाला क्वेश्चन। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है। जैसे ऐसा भी नहीं होता कि मैं पेपर खुला, बस जो क्वेश्चन खुल रहा है वो मुझे आता ही है। नहीं, मुझे पहले मेरा वाला क्वेश्चन चाहिए। वो हो सकता है पहले ही मिल जाए, या हो सकता है थोड़ी देर बाद मिल रहा है, या फिर मैंने कोई पजल करी, बनाया, नहीं बना। अब क्या होता है वहां पे, डिमोटिवेशन आ गया, अरे यार इतना टाइम भी गया, क्वेश्चन भी नहीं लगा। माइंड में ये होना चाहिए मेरा वाला क्वेश्चन अभी आएगा, फिर सब सही हो जाएगा। मेरा वाला क्वेश्चन आया, मैंने किया, तुरंत आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। Welcome to Kamalti with Toppers, an initiative by An Academy. Today we have Vipin Sharma with us, who has just qualified IBPS PO, and हम कुछ अच्छे से conversation उनके साथ करेंगे, उनकी journey के बारे में जानेंगे कि क्या उनके life में, उनके इस dream job की में challenges आए, struggles, good points, each and everything, and of course even inspired you to how to fulfill your dream. So let's connect with Vipin. Hi, Vipin. Hello, ma'am. How are you? All good? All good. Actually, great. After the selection. So, how's the life after like being IBPS PO? Ma'am, actually, ये तो बस एक जर्नी थी जो काफी पहले हो जाना चाहिए था, बट कुछ सिली मिस्टेक्स कहूँ, या मैं तो खुद की केयरलेसनेस मानता हूँ कि यार नहीं हो पाया, कहीं मेरे साइड से ही कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। तो अभी फाइनली हो गया। लास्ट ईयर मैम SBI PO छोड़ के मेरे सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए, RRB PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क। तो आपने पहले से ही लाइक डिड यू प्लान कि आप शुरू से कि आप IBPS PO या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली सही नहीं था कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ है उसके बाद 1 ईयर मैंने SSC की प्रिपरेशन करी, तो उसमें तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एंड उस टाइम पे जॉब बहुत मच नीडेड थी मेरे लिए कि बस जॉब चाहिए। और क्योंकि फैमिली में या रिलेटिव्स में सभी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो ये था कि जाना तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, बट बैंकिंग में कोई नहीं है। अभी मैं फर्स्ट हूँ और बैंकिंग में कोई भी नहीं था, तो बैंकिंग का कोई ऐसा सीन भी नहीं था। SSC कर रहा था, सारी चीजें हो रही थी, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से बैंकिंग चूज नहीं कर पा रहा था। मैं बताना चाहूंगा, उसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। एक तो मैम फॉर्म की फीस जो 600 होती थी वो उस टाइम पे ज्यादा होती थी मेरे लिए, और दूसरी चीज ये थी कि कुछ रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे नहीं आते थे, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि बैंकिंग चूज ना करके SSC चूज किया। तो मोटिवेशन का कितना, मतलब लाइक डेडिकेशन कहाँ से आया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथ ये होता है ना कि दे गिव एग्जाम एंड फिर कम, बहुत मुझे जो लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं बीच में। तो डिटरमिनेशन, वो परसिवरेंस को कैसे लाइक यू नो अपने अंदर? देखिए, मोटिवेशन के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा बहुत दिनों तक नहीं रह सकता आपके साथ। 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, फिर क्या होगा, वो आप फिर से लो फील करने लग जाओगे। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे मुझे तो कैमोमाइल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर जब 18 वाला हुआ तो जब 27 अगस्त को फर्स्ट एपिसोड आया इसका, मैंने देखा उसे, तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, मैं बहुत वीडियोस वगैरह नहीं देखता, तो पता नहीं क्या था, क्लिक किया, क्योंकि सारी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन ही करी, तो उस पर क्लिक किया तो देखा, बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी मेरा सिलेक्शन होगा मैं एक ना एक दिन तो मुझे जाना है इसमें, कभी भी जाऊंगा तो मैं जरूर कैमोमाइल में। एंड आज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं सिलेक्शन वाले दिन जितना खुश था उससे कम तो नहीं हूँ आज। बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पे सोचा था वहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। मतलब ये भी आपके ड्रीम वाली लिस्ट में था, यू फाइनली हैव अचीव्ड। मींस वो ये कि आप, अगर आप डिटरमिनेशन आपका स्ट्रांग है तो आपको हर चीज मिल ही जाती है। बिल्कुल, जिस मैं मुझे तो ये लगता है कि अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो सारी चीजें इन योर वे अपने आप होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कुछ होता जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देखिए सिलेक्शन तो 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 4000 सीट्स आ रही हैं, 4000 में भी कैमोमाइल पे कितने आ पाते हैं, 50 भी नहीं आ पाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता था कि मैं उन 50s में शायद हो पाऊंगा, कि मैंने चल सिलेक्शन हो गया, ड्रीम जॉब थी ले लिया, बट ये था ड्रीम। वेट में कर रहा था कि अगर कैमोमाइल में जाने का कहीं से भी, मुझे मैं नेट पर ढूंढते रहता था कैसे कुछ तो हिंट मिल जाए वहां जाने का, बट
बट समहाउ मैं यहाँ पे आ गया, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने तो उसी टाइम सोचा था कि अपना पूरा जो भी है मैं स्ट्रगल कह लूँ या मैं अपना कोशिश कह लूँ जितनी भी मैंने करी है मुझे बताना है, क्योंकि ऐसे मैम बहुत से होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो रिसोर्सेज ना होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप उसको कोई एक्सक्यूज बना के फिर आप वो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं बस इसलिए मैं चाहता था कि शायद मेरी जो भी स्टोरी है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शायद कहीं ना कहीं बहुतों को मोटिवेट कर सकता है। एंड फिर से मैं कैमिल टीवी टॉपर्स को एक बिग बिग थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एपिसोड्स इसके देखे हैं। कनिष सर का एपिसोड तो मैंने पता नहीं कितनी बार ही देखा होगा, तो ओके थैंक बहुत बहुत ज्यादा पसंद था मुझे वो एपिसोड, अभी मैंने कल भी यू सो मच। देखा है। वेल हम भी एक्चुअली बहुत खुश हैं लिटरली आपकी बातें जानकर। वी आर आल्सो वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो एंड रियली थैंक यू फॉर लाइक शेयरिंग योर स्टोरी एंड मेकिंग दिस एपिसोड अ सक्सेसफुल वन। तो सीरियसली तो आप आई विश कि आपके ऐसे जो भी लिस्ट हैं आपने जो बनाई है वो जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, वो भी आपकी सारी पूरी हो जाए। बहुत आई बड़ी रियली लिस्ट तो नहीं थी मैम, एक सिलेक्शन लेना था, एक कैमोमाइल में आना था और कुछ ओके कुछ जगह है जहाँ घूमने जाना था, तो दो तो पूरे हो गए अभी, बस अब तो घूमने का चलता रहेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ग्रेट। तो मतलब कि फिर हाँ हम बात आ रहे थे मोटिवेशन में, तो आपको लाइक ऐसा क्या अंदर जो ना जज्बा था जिसकी वजह से आपने इतने स्ट्रगल के बावजूद लाइक यू डटे रहे कि नहीं यार एग्जाम को क्वालिफाई करना है? मैम मैं तो ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा जैसे मुझे कंपटीशन लग जाता है या मैं कहूँ मुझे चैलेंज लग जाता है, जैसे जब फर्स्ट मैंने एसएससी का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, मैंने बस प्रिपरेशन करी थी 1 साल, फिर ये हुआ कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, अगर जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उन्हीं के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मैंने सोचा मेरा कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरी जॉब लगेगी। फिर जो मेरी मैंने फ्रेंड के बारे में बताया, उससे बातचीत हुई तो उसने कहा वो ऑलरेडी बैंकिंग ही कर रही थी, बहुत क्लियर थी वो माइंड में कि उसे बैंकिंग ही करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसे देख के लगता था कि हाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए माइंड में, जो आपको करना है वो करिए, जो नहीं करना है वो नहीं ही करना है। तो फिर ये हुआ कि स्विच करते हैं, एक बार जाते हैं देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, बस सो होता चला गया 17 18 अभी 19। तो आपने जैसे कहा कि आपने अपनी मैक्सिमम स्टडीज जो है ऑनलाइन की, तो यस मैम आपको क्या लाइक डू यू थिंक क्या आप स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से वो अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं 100% अलाइक करके? लाइक कई कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट होते हैं क्योंकि एक हम लोगों को रिडंडेंट हैबिट्स हो जाती है ना ऑफलाइन जब तक टीचर सामने ना आए। तो व्हाट डू यू थिंक दैट दिस कैन बी हेल्पफुल? देखिए इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मैं नहीं कहूँगा, सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम आपका ऑफलाइन ऑफलाइन होना नहीं है, ऑनलाइन होना है, प्रीलिम्स मेंस, तो आप ऑफलाइन पढ़ के किस चीज़ की हैबिट बनाना चाहते हो? आपको बस रफ शीट पे जो काम करना है वो ऑफलाइन है, आपको क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना ऑनलाइन है, टिक ऑनलाइन करना है, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं आप ऑफलाइन में करोगे क्या? आपको पता चल रहा है आप डेली डेली पेपर ले रहे हो, पेपर आप पढ़ रहे हो, तो आपकी जो हैबिट है वो तो ऑफलाइन जो पेपर है एक्चुअल में वो पढ़ने की हैबिट हो रखी है ना, आपने तो स्क्रीन पे पढ़ने की हैबिट ही नहीं डाली है। तो अब जब आप स्क्रीन पे पढ़ोगे नहीं तो आपकी हैबिट कैसे बनेगी? आप पेपर पढ़ के जा रहे हो, आप वहाँ पे ऑनलाइन ऐसे क्वेश्चन देखोगे फिर कॉपी में लिखोगे तो टाइम जाएगा ना उसमें, आपके पास 1 घंटे हैं। मुझे तो लगता है कि मेंस से ज्यादा आपके लिए प्रीलिम्स पे आपको काम करना चाहिए, आप प्रीलिम्स में ही नहीं आ पाओगे तो मेंस कैसे दोगे? और प्रीलिम्स तो पूरी तरीके से स्पीड पे होता है, तो जितना ज्यादा आप ऑनलाइन पे रिलाई कर रहे हैं जितना ज्यादा उसकी हैबिट डालने वो आपके लिए अच्छा है, बीट सेलफोन बीट लैपटॉप कुछ भी हो, जो आप जो भी हो आपके पास एक फोन हो वो भी चलेगा प्रिपरेशन के लिए, वो बुरा नहीं है, उससे भी हो सकती है प्रिपरेशन, सिलेक्शन भी होते हैं उससे। तो जैसे कि आपने कहा ना कि रिसोर्सेस ना होना बुरी बात नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन का एक बूम आया है, वी कैन से कि एजुकेशन इज रीचिंग टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर रिमोट एरियाज में भी। तो स्टूडेंट्स को तो अब खुद में एक दे हैव शुड हैव द डिटरमिनेशन कि मुझे क्वालिफाई करना, मीन्स रिसोर्सेज को अब हम शायद एक बहुत बड़ा हर्डल नहीं कह सकते, राइट? नहीं कह सकते। तो अच्छा आपने चलो थोड़े से एग्जाम के बारे में भी जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि कैसे पढ़ाई की है ना सबसे ज्यादा। जैसे आपने भी जैसे आई यू से दैट कि कैमोमाइल टीवी टॉपर्स आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, तो आपके भी मन में था कि यार इसने कैसे पढ़ाई की, जरूर मैं भी पता करता हूँ। तो आपने कैसे प्रिपरेशन की लाइक मैथ्स रीजनिंग? तो हम जानते हैं मैथ्स तो एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो क्या किया आपने अपने मैथ्स को ठीक करने? मैथ्स तो मैम देखिए जैसे जो भी प्रीलिम्स के मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हो गया एंड मेंस में जीए भी ऐड हो जाता है उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता होगा और एक वीकेस्ट होता होगा।
मेरे साथ क्या था, रीजनिंग मेरा वीकेस्ट था और आज भी है, बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं है मेरी। मैथ्स को मैं उन चारों में बेस्ट बोल सकता हूँ कि हाँ, मैथ्स में मुझे डर नहीं लगता था। ये होता था कि अगर पहले रीजनिंग का सेक्शन आ गया, वहाँ तो रैंडमली कोई भी आ जाता है, कोई फिक्स नहीं होता। अगर रीजनिंग आ गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस नहीं हो पाए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इंग्लिश हो गया, तो ये कहीं ना कहीं माइंड में रहता था अभी जब मैथ्स का सेक्शन आएगा तो मैं कवर कर लूंगा। अब किसी का वो रीजनिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो 35 out of 35 कर लेते हैं, मेरा इतना बुरा भी नहीं है ये, बट ये होता था कि रीजनिंग में मेरा 35 तो शायद नहीं हुआ होगा, हाँ ये था 30+ में कर लेता था, 30, 31, 32 तक हो जाते थे मेरे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो बस पेपर वगैरह सारी चीजें करते हुए, मतलब ये था कि जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो मैं मैथ्स को कह सकता हूँ एंड वीकेस्ट में मैं रीजनिंग को रखता हूँ। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे, एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। मुझे आती थी, स्पेशली जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते थे वो आते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो जाया करेगा। मॉक टेस्ट को भी मैंने जितना सीरियसली लास्ट ईयर लिया है उतना पहले कभी नहीं लिया था, एंड रिजल्ट सबके सामने है। तो जब 17 में मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैथ्स जैसे मुझे आती थी, लेकिन वो एक होता है कन्वेंशनल मेथड, एक होता है आपको स्मार्टली करके आना है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे कभी मैंने रिलाई नहीं किया, ना ही मैं सजेस्ट करूंगा किसी को कि आप शॉर्ट ट्रिक पे रिलाई करके जाओ। बट ये था कि प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। अब जैसे लोगों को क्या होता है, जैसे किसी को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी पे पूरा टाइम देते जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ दिया। होता क्या है, जब एग्जाम आया तो जो क्वेश्चन पहले आपके 50 सेकंड में लग रहा था वो 1 मिनट ले रहा है, 1.5 मिनट ले रहा है आपने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पे काम ही नहीं किया। मेरा ये था कि मैंने पहले तो लिस्ट निकाली कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो ये कुछ 13-14 चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग में आते हैं, उससे बाहर का कुछ भी नहीं आता। फिर मैंने देखा इनमें से कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ पूरी तरीके से, तो उनमें से कुछ 5-6 चैप्टर निकल के आए। फिर कुछ ऐसे चैप्टर थे जो थोड़े थोड़े से आते थे, कुछ आते ही नहीं थे, तो जो आते नहीं थे मैंने सोचा चलो एक बार तो कोशिश करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, एक बार तो कोशिश कर लेते हैं। तो जो चैप्टर मेरे सबसे ज्यादा होते थे, सबसे अच्छे से आते थे, उन्हें कम टाइम, जो थोड़े बहुत आ रहे हैं उन्हें बीच का टाइम दे दिया, और जो सबसे कम आ रहे हैं उन पर काम किया मैंने। तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका नॉलेज है उतना आप असेंडिंग ऑर्डर में टाइम देते जाइए। अपोजिट, जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसे आप 1/2 आवर दे सकते हो उस चैप्टर को, जो चैप्टर नहीं आ रहा है उस पर आप 1 आवर, 1.5 आवर, जितना भी आपको नीड हो, हर किसी का अलग अलग होता है, तो बस वो होता चला जाएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम कम लगता जाएगा। आज पता चल रहा है कोई क्वेश्चन आपका 45 सेकंड में हो रहा है, कल वही क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में होने लग जाएगा। फिर और ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो जो जिस क्वेश्चन में पहले आपको 4 स्टेप लग रहे थे, अभी 2 स्टेप माइंड में होने लग जाएंगे, 2 आपके पेपर पे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप होता चला जाता है। प्रैक्टिस से और कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि पेन और दिमाग आपका साथ में चलने लगता है, एक स्टेप माइंड में सॉल्व हो रहा है, एक स्टेप आपका पेन पे चल रहा है, कॉपी पे चल रहा है, तो वो फिर आंसर निकल के आ जाता है सामने। आपकी लाइक यू आर वेरी क्लियर, जो आपको पता है कि लाइक कैसे करना चाहिए, रियली नाइस। सो कैलकुलेशन जो मैं हमेशा पूछती हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज की डेट में कैलकुलेशन बड़ा मुद्दा बन गया, लाइक एसएससी एग्जाम्स के एंड बैंकिंग के लिए, तो ये कैलकुलेशन का क्या किया जाएगा, कैसे आपने ठीक किया इसको? देखिए कैलकुलेशन के लिए जैसे मैंने लोगों को देखा है, जो भी प्रिपरेशन करते थे उन्हें देखा है, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, फिर वीडियो देख ली, फिर गूगल पे कोई साइट देख रहे हैं। आपको खुद से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, छोटे छोटे आपको जो भी कैलकुलेशन करने हैं उनमें भी आप नेट पे रिलाई कर रहे हो, फिर आपका कैसे हो पाएगा। मैं क्या करता था, पेन उठाई, कॉपी उठाई, जो 2-2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन है या 3-3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन है, मैं खुद से देता चला गया, जो भी रैंडम डिजिट्स आ रहे हैं लिखता चला गया, ये मैंने 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं पीडीएफ ढूंढूंगा, फिर मैं किसी साइट को खोलूंगा, तो उसमें टाइम ही तो जा रहा है मेरा। एटलीस्ट आप बेसिक लेवल पे अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि हाँ अब मुझे पीडीएफ की जरूरत है। अब मैं शुरू से ही पीडीएफ करने लग जाऊंगा, वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, बेसिक आपने किया ही नहीं है, तो आपका कैसे हो पाएगा? तो वो सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी पड़ेंगी।
स्टूडेंट्स के साथ तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ये हो गया ना कि पीडीएफ कलेक्ट करने की हैबिट सी बन जाती है, बहुत बहुत फोन भर जाता है कि पीडीएफ से बगैर हम उनको टच नहीं कर पाते। तो मींस अगर आप कम यू मतलब कि आप कम पढ़ो मगर बहुत अच्छे से पढ़ो, यू डोंट रन फॉर द मटेरियल और कंटेंट समथिंग, आप खुद भी क्वेश्चन के लिए मतलब प्रिपेयर कर सकते। आप किसी चीज का 10 पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आप एक अननेसेसरी बर्डन बना रहे हो अपने ऊपर। आपने 10 पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, अब आपके फोल्डर में सारे पड़े हुए हैं वहां पे, अब आप देख रहे हो अरे 10 पीडीएफ करने हैं मुझे, एक कर लिया, फिर अब एक दिन में तो सारा करना पॉसिबल नहीं है, दो दिन में एक कर लिया, अभी भी 9 पीडीएफ आपको दिख रहे हैं करने के लिए। या तो आप ये करो कि आप एक पीडीएफ डाउनलोड करो, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आप दूसरा डाउनलोड ही मत करो, फिर जब वो हो गया उसको आप डिलीट कर दीजिए, आप दूसरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा ना, आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए उस जगह पे। बस ये है कि आप जहाँ से भी मिल रहा है करते जा रहे हैं, अच्छा सुनाई पड़ा कि हाँ वो वाले सर का पीडीएफ बहुत अच्छा है, चलो उसको भी दे दो, तुम्हारे पास है हाँ चलो उसको भी सेंड कर दो, अच्छा वो वाले सर का इससे भी अच्छा है लव वो भी दे दो। अब पता चल रहा है आपका इकट्ठा होता जा रहा है, कर कुछ भी नहीं रहे, फिर क्या होता है एग्जाम के टाइम पे पूरा इकट्ठा आपके सामने रखा हुआ है, आप समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा स्टार्ट करें किस में से स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें पहले से सोच के चलनी रहती हैं कि बहुत ज्यादा आप बुक्स का पायल मत बनाइए, पूरा ढेर मत बनाइए, आप थोड़ी थोड़ी चीजें रखिए उनको आप करते जाइए। एंड टेबल्स को मैं फिर कहूँगा, टेबल्स को हाईलाइट करना चाहूंगा, लोग टेबल्स लर्न करने में बिलीव नहीं करते, टेबल लर्न नहीं करोगे आपको मैथ्स नहीं आएगी। बहुत सिली सी चीज लग सकती है कि टेबल क्या है, बच्चों को लर्न कराते हैं, आप ज्यादा नहीं 25 तक की अगर आप टेबल कर लेते हो आपका मैथ्स में 3 से 4 नंबर का हाइक हो जाएगा सिर्फ टेबल लर्न करने से। और जिन जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ जिन्हें टेबल लर्न नहीं है, आप एक बार बिना टेबल लर्न किए एक मॉक दे दो, फिर टेबल लर्न कर लो 3-4 दिन में, फिर उसके बाद एक मॉक दे दो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। और टेबल देखिए जिसको जिन्होंने अभी तक करी नहीं है उन्हें एकदम से लर्न नहीं होने वाले, हर किसी का एक प्रॉपर प्लेस होता है या स्टडी टेबल है या रूम है, वहां पे आप टेबल को एक शीट में लिख लीजिए, वहां पे लगा लीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठोगे सामने आपकी निगाह पड़ती रहेगी, आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा, आप सोचो कि याद कर लूंगा फिर मैं क्वेश्चंस करना शुरू करूंगा, वो नहीं काम करने वाला आपके लिए। आप एक बार हाँ याद कर लो फिर उसको आप सामने लगा लो, या जब भी पढ़ने बैठो उस पर नजर पड़नी चाहिए, स्क्वायर्स हो गए क्यूब्स हो गए वहां पे आप लिख लीजिए। अब जैसे बहुत लंबे मैंने देखा है लोग 50 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लेते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे अभी भी 30 तक के स्क्वायर्स लर्न है, उसके अलावा जितने भी थे कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं निकालने की वो मैंने माइंड में फिट कर ली थी, और हाँ जहाँ पे मैं स्टडी करता था वहाँ पे मैंने लगा लिया था सामने की, जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो वहाँ पे दिख जाता था, तो बस ऐसे होता चला गया माइंड में फिट होता चला गया, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपकी बातें सुनकर कि आप टीचर रह चुके हैं ना, मतलब यू आर टीचर राइट, तो आप पूरा पर आपकी बातें जो है जो स्टूडेंट को डांट के समझाते हैं ना ऐसा नहीं करना चाहिए दैट्स ऑसम, तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि आपको विपिन एक्चुअली डांट रहे हैं कि तुम ये पीडीएफ डाउनलोड करने में टाइम लगाते हो, तुम ऐसे करने में ऐसे कर, तो ये सब चीजें नहीं करनी, तो दैट टीचर इज कमिंग आउट ऑफ यू आई कैन सी दैट रियली ऑसम यू कैन से दैट्स नाइस। चलो मैथ्स तो हमने डांट बच्चों ने डांट खा ली है सबने कि यही चीजें नहीं करनी है, लेकिन yes, मुझे लगता है विपिन के साथ मैं सारी बातें जो नहीं करने उस पे बड़ा अच्छा एम्फसाइज होगा। तो रीजनिंग जैसे कि आपने कहा कि रीजनिंग आपका वीक है, तो क्या करना चाहिए बच्चों को और क्या नहीं करना चाहिए रीजनिंग में? मैम बस वही चीज के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स आते हैं, आप पता चल गया प्रीलिम्स में ही लॉजिकल आता है, आपने सुना लॉजिकल आता है, आप लॉजिकल करने लग गए तो फिर बाकी चीजें कैसे कर पाओगे। एंड अभी तो पेपर इतना अनसर्टेन हो गया कुछ भी आ सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेंस का है कि ये मेंस में ही आएगा प्रीलिम्स में नहीं आएगा, अभी तो प्रोबेबिलिटी हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे, अभी तो मेंसुरेशन भी आने लग गया पिछले कुछ सालों से, पहले मेंसुरेशन एसएससी का चैप्टर था अभी मेंसुरेशन भी आता है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही है, हालांकि होता है फॉर्मूला बेस ही है बट एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता है। तो बस वही चीज मैंने पहले चैप्टर्स का लिस्ट बनाया, तो वहाँ पे बस वही है कि सबसे पहले तो कोडिंग आती थी अल्फाबेटिकल सीरीज वाली कोडिंग आती थी, कोडिंग डिकोडिंग अभी तो दूसरे तरीके से आने लगी, तो शुरुआत मैंने वहीं से करी, सबकी प्लेस वैल्यूज याद करना रिवर्स ऑर्डर में और ये सारी चीजें मैंने भी की थी, कुछ उसके फॉर्मूले हैं जो जिनसे 5, 10, 25 वाला आप अगर याद कर लो तो उसके आगे और पीछे के याद हो जाते हैं अल्फाबेट्स, वो हो गया। फिर मतलब देखिए चैप्टर्स मैंने सारे क्लियर किए, मैं बता दूं मैथ्स हो या रीजनिंग हो 1 by 1 मैंने सारे चैप्टर लगाए हैं, इवन मैं मैथ्स और इंग्लिश का मैं ट्यूशन्स लेता था फिर भी मैंने अपने आप को ये माना कि मुझे कुछ भी नहीं आता है,
स्पेशली आप ये समझो कि जैसे 17 दिया मैंने, 18 दिया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मेरे पास, लेकिन जब लास्ट ईयर मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट आया तो उस टाइम पे ये हुआ कि इस बार तो सिलेक्शन चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बस इसके बाद अब एग्जाम नहीं देना है। तो फिर मैंने शुरू किया फिर से वही एकदम जैसे कोई नया बंदा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वापस से पूरी लिस्ट बनाई, एक एक चैप्टर पे किस चैप्टर को कितना टाइम देना है सबको प्रॉपर मैंने किया। ये नहीं एकदम से मॉक देने लग गया, मैं चाहता तो दे सकता था, मॉक्स में नंबर भी आ सकते थे मेरे, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार पूरा फिर से रिफ्रेश कर दो अपने आप को, पूरा कंप्यूटर रिफ्रेश करो अपना, वापस से हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि एज ए पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, पीछे मैं फेल हुआ हूँ, छोड़ दो उसको, जाने दो, वो कल हो गया, अभी आगे आज माइंड में कुछ भी नहीं रखना है। वापस से वही चीज़ है, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्लियर किया। एंड अगर सिर्फ रीजनिंग की बात करो तो आई थिंक 25-30 डेज में आप पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, इतना कुछ भी नहीं है। एंड स्पीड तो नहीं आएगी, वन मंथ में आपके पास स्पीड नहीं आने वाली, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आएगी। जब आप बेसिक जान जाओगे तो आप स्पीड पे काम कर सकते हो, आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है फिर स्पीड कैसे आएगी। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, फिर आप पीडीएफ वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। अभी तो मैं तो बताना चाहूँगा टेलीग्राम पे आज की डेट में जो मिल जाता है वो शायद गूगल भी नहीं दे पाएगा। अगर आपने अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं तो जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा वो कहीं पे नहीं मिलने वाला, वहाँ पे पीडीएफ आते रहते हैं, वो आप करिए। लेकिन बस वही है कि टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, मैंने भी कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए थे लेकिन सारे ग्रुप अभी भी म्यूट हैं, इतनी चिट चैट्स वहाँ पे होते हैं कि मुझे लगता था ये लोग इतनी बातें करते हैं तो पढ़ते कब होंगे, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेगा, यार भाई हाई लेवल पजल भेजो, हाई लेवल पजल भेजो, अभी भाई पहले सिंपल सिंपल वाली लगा लो फिर हाई लेवल पे लगा लेना। मैंने तो नहीं लगाई आज तक, हाई लेवल लगाई ही नहीं मैंने कि कोई पजल हाई लेवल के नाम पे मैंने लगाई हो, लेकिन सिलेक्शन है, आप सबके सामने हूँ मैं। तो बस वही है, क्या चीज की आपको जरूरत है, आपका लेवल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, किसी और के कहने पर तो आप जा ही नहीं सकते। आपके अकॉर्डिंग पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए, सबके कॉन्सेप्ट कर लीजिए एंड देन गो फॉर प्रैक्टिस। तो जैसे कि हम वैसे उसका डीप में जाते हैं, रीजनिंग में काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस लाइक पजल्स जिससे सब बहुत ज्यादा डरते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी या क्या तरीका होना चाहिए कि किसी स्टूडेंट को उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड देन उसके बाद फिर एग्जाम में कैसे अपेयर करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी जो भी बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, हर किसी के पास किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का मॉक होता है, जो भी किसी को कुछ सही लग रहा है किसी को कुछ सही लग रहा है, मॉक देखते जा रहे हैं, उसके नंबर्स देख लिए, एक बार मॉक के कौन से क्वेश्चंस नहीं लगे वो देख लिए, फिर आगे बढ़ गए। मेरा क्या होता था कि अगर 4 मंथ्स के बाद भी मेरा एग्जाम है, मैंने कोई मॉक दिया, उस मॉक को मैं बार बार करके 3-4-5 डेज में तब तक देखता रहूंगा जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाएगा। मतलब मॉक नंबर 1 भी अगर मैंने दिया है तो मैं मॉक नंबर 1 वापस से मैं स्टॉपवॉच लगा के करूंगा, जो क्वेश्चन मेरे पहले 2.5 मिनट में पजल बन रही थी, 3 मिनट्स में बन रही थी, वही सेम पजल जब तक 1-1.5 मिनट में नहीं बनने लग जाएगी, मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहूंगा। आप हर प्लेटफॉर्म का मॉक नहीं ले सकते, हर किसी के पास लिमिटेशन होते थे, पहले तो बहुत सारी दिक्कतें थी, हालांकि बाद में ऐसा नहीं था, मैं चाहता तो ले भी लेता, लेकिन वो मैंने बताया ना कि किसी भी चीज का ढेर लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप हर प्लेटफॉर्म पे ले रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे आपके 60 आ गए, कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 30 आ रहे हैं, अब आपने अननेसेसरी बर्डन बना लिया अपने ऊपर, तो आप वही चीजें करो ना, बार 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 वही चीजें करो। 10 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा अब एक बुक 10 बार पढ़ लो, बहुत सुनी सुनी बात है लेकिन बहुत कम है इस बात में कि आप 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म का मॉक देने से अच्छा है एक मॉक खरीदिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का वापस से मॉक देते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, देखिए कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप जैसे आप मतलब की मॉक पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो मींस रीजनिंग के लिए पजल्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप लाइक प्रैक्टिस कीजिए और जरूरी नहीं कि डाइवर्स क्वेश्चंस के पीछे भागे, लेवल्स बना के, जैसे कि एक थोड़ा सा आजकल एक फोबिया नहीं कह सकते, एक तरह से हाइप हो गया है कि हाई लेवल के क्वेश्चन, 10 लेवल क्वेश्चन, ये चीजें ना करें। आप एक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश करें कि 100% उसको आप समझ चुके हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप आराम से उसको कर पाएंगे, चाहे आपको वही सेट को वही क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस करना क्यों तो वहाँ एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होती है स्टूडेंट की जो गलती करके आते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन तो स्टूडेंट बहुत करते हैं, लाइक मैक्सिमम भी मैंने देखा है तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते ही हैं मगर वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते आता, एक ये भी बड़ा इशू है, उसको कैसे सॉल्व करें? देखिए यहाँ पे मैं कुछ सजेस्ट तो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मेरे माइंड में एक चीज होती थी, मेरा वाला क्वेश्चन,
ये तीन वर्ड मेरे माइंड में हमेशा चलते थे, मेरा वाला क्वेश्चन। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है। जैसे ऐसा भी नहीं होता कि मैं पेपर खुला बस जो क्वेश्चन खुल रहा है वो मुझे आता ही है, नहीं, मुझे पहले मेरा वाला क्वेश्चन चाहिए। वो हो सकता है पहले ही मिल जाए, या हो सकता है थोड़ी देर बाद मिल रहा है, या फिर मैंने कोई पजल करी बनाया नहीं बना। अब क्या होता है वहां पे डिमोटिवेशन आ गया, अरे यार इतना टाइम भी गया क्वेश्चन भी नहीं लगा। माइंड में ये होना चाहिए मेरा वाला क्वेश्चन अभी आएगा फिर सब सही हो जाएगा। मेरा वाला क्वेश्चन आया, मैंने किया, तुरंत आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब आप जो आपने बिना कंप्लीट किए छोड़ा था क्वेश्चन, आप वापस से जाओ वो लगेगा। मतलब परेशान नहीं होना है कि नहीं लगा तो कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है, इजी है तो अगर आपके लिए है वो सबके लिए है। तो वहां पे परेशान नहीं होना है, आपको पूरे 20 मिनट मिले हैं, 20 मिनट कम नहीं होते हैं देखा जाए तो। मेरा तो कभी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते थे। लास्ट ईयर में ये पीओ का, आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स था उसमें मैंने 83 क्वेश्चन किया था आउट ऑफ 100। कट ऑफ वॉज 59 के अराउंड एंड मैंने 82 किए थे, 77 मेरे सही थे। एंड ये पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आया। और वहां भी यही था, मुझे याद है रीजनिंग का जब सेक्शन ओपन हुआ 20 मिनट्स में, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम चलता है, 12 मिनट बचे थे, मेरे क्वेश्चन हुए थे सिर्फ 4, 12 मिनट बचे हैं क्वेश्चंस करने के लिए, बचे हैं 31। मेरे आखिरी में जब पेपर सबमिट हुआ रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 28 थे। तो फिर लाइक हमने इंग्लिश के बारे में भी बात नहीं की, हमने रीजनिंग के बारे में बात कर ली, मैथ के बारे में बात कर ली, तो हाउ वाज अबाउट लाइक इंग्लिश का कैसा रहा आपका, कैसे आपने प्रिपरेशन की इंग्लिश की? मैम इंग्लिश क्योंकि मेरी जो स्टडीज हुई हैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई थी, तो इंग्लिश वाज़ अ इशू, ठीक है, मेरे लिए था स्टार्टिंग में कि कुछ जैसा बैंक में इंग्लिश आता है जिस तरीके का, वह शायद मुझे नहीं आता होगा या ऐसा करके। तो ये हुआ कि आई गॉट टू नो कि न्यूज़पेपर्स विल वर्क फॉर मी, एंड तो फिर मैंने स्टार्ट किया। पहले तो वही ऑफलाइन लेना शुरू किया, फिर ऐसा खुद ही मुझे आया कि पेपर मुझे ऑनलाइन देना है, कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल सारा कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं स्क्रीन पे रीडिंग की हैबिट लग करनी ही होगी। तो फिर मुझे पता चला कि टेलीग्राम पे पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो फिर बस टेलीग्राम डाउनलोड किया, वहां से डाउनलोड करता था। मतलब मॉर्निंग में उठ के बाद पहला मेरा काम आज भी है, व्हेन इफ आई एम सिलेक्टेड नाउ, अभी भी मतलब एक हैबिट बन गई तो बन गई, तो बस सबसे पहले पेपर डाउनलोड किया, उसके बाद बस उसको रीडिंग किया। जरूरी है कि मैं तो यही कहूंगा कि जरूरी नहीं आप पेपर ही पढ़ो, आपको कॉमिक बुक अच्छी लगती है, आपको नॉवेल अच्छी लगती है, आपको कोई ऐसे कोई ऐप जैसे Quora.com मेरे फोन में, उसमें बहुत सारी नॉलेज की चीजें मिलती रहती है। आपको कुछ भी करना है, बस रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे, आपको हाफ एन आवर 45 मिनट आपको रीडिंग नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इंग्लिश के लिए। एंड अगर एक बार भी आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली, फिर समझिए आपने आधा काम इंग्लिश का कर लिया, फिर बाकी जो चीजें बची वो मॉक से कवर कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर से बड़ा आई थिंक इंग्लिश के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके लिए कुछ हेल्प करने वाला। तो जैसे कि आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम से थे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कितना लाइक हेल्पफुल होगी रीडिंग, या फिर कैसे आपने कवर किया इंग्लिश को? बस रीडिंग और समथिंग भी बुरी नहीं थी कि जैसे रीडिंग प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा समझ में। हाँ ये था कि जो ना वो कैप वर्ड्स यूज होते थे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते थे मेरे लिए, तो मैंने बहुत लोगों को सुना भी था कि जैसे डेकैब नोट करते हैं फिर उसको रीड करते हैं। तो मैंने शुरू तो किया उसको लिखना डेसिस पे, इतने वर्ड हो जाते थे पूरा पेज हो जाता था। अब जब वो पेज होते जा रहे हैं 5-6 पेज फेल हो गए, अब रिवर्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसे भी लिख के कोई मन नहीं है। मैं अपनी क्या डिक्शनरी ने तैयार करूँ कि बस वर्ड्स लिखते जा रहे हैं, रिवाइज मैं कर नहीं पा, तो वो किसी यूज के नहीं है। तो ये होता था कि पेपर जब रीड करें एक साथ में डायरी रखें, जो भी वर्ड को लगा कि देखिए हर किसी के माइंड में उसकी वोकैब प्रिपेयर्ड होती है, आपको लगे कि ये वाला वर्ड वोकैब में नहीं है मेरे माइंड में, आप तुरंत उसको सामने डायरी में नोट डाउन करिए, उसका मीनिंग हिंदी में ढूंढ के लिख लिया, आप उस वर्ड से 3-4 सेंटेंसेस खुद फॉर्म कर लीजिए और उसको लिख लीजिए तुरंत के तुरंत। ये नहीं कि उसको बाद में करना है, आपने देखा कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, आपने उसका मीनिंग ढूंढा, अच्छा ये होता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसका टाइप आपने देखा कैसे उसको यूज करना है, उस पर 3-4 सेंटेंसेस जैसे फॉर्म करोगे वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अगर जो भी है हर किसी के फ्रेंड्स हैं, आप चैटिंग में उनका यूज कर सकते हैं, या भाई हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ मेरे भी फ्रेंड्स थे जिनसे मैं चैटिंग में हेल्प करता था, मैं चैटिंग करना ज्यादा प्रेफर करता था, तो मैं कोशिश करता था उन वर्ड्स को वहाँ पे यूज करूँ, सही जगह पे यूज कर पाऊँ।
तो आप जब उनको यूज में लाओगे फिर वो डिलीट नहीं होने वाले आप इनसे, वो आपके माइंड में स्टिक कर जाएंगे हमेशा हमेशा. तो ये हो जाता था. फिर धीरे धीरे पहले पेपर पढ़ने में 1.5 आवर लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, फिर ये पता चला कि पूरा पेपर तो मेरे किसी का है नहीं, पॉलिटिकल न्यूज मेरे किसी काम की नहीं है. फिर ये हुआ कि स्पेसिफिकली कौन से पेजेस पढ़ने, तो ये पता चला कि देखिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था. ये सारी चीजें मैं अपना खुद का टाइम मैं वेस्ट करना नहीं कहूंगा, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया. जो दोस्त मैं फेल हुआ, फेल होना बुरी बात नहीं है, आपको लेसन ही जाता है, तो मैं तो उसे इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए कि दोस्त मेरे इन्वेस्ट हुए, फिर मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ, ये मैं मानता हूँ. तो फिर मुझे पता चला फर्स्ट पेज पढ़ लो, एडिटोरियल के 2 पेज पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो, बिजनेस पढ़ लो, वर्ल्ड पढ़ लो. अब जैसे एक चीज और मैं बताऊँ, बहुत क्लियर कर दूँ कि जरूरी नहीं है एडिटोरियल पढ़ोगे तभी आपको इंग्लिश. आपको स्पोर्ट सेक्शन पसंद है पहले स्पोर्ट वाला पढ़ लो बहुत अच्छे से, तो आपको अगर बिजनेस की न्यूज अच्छी है आप बिजनेस वाला पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो. जरूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल करोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी. ये बहुत बड़ा मत है स्टूडेंट्स के मन में. मैं जिसे भी देखता हूँ, अरे भाई एडिटोरियल किसका अच्छा होता है, इंडियन एक्सप्रेस करूँ कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस करूँ, द हिंदू करूँ, मैं मुझे नहीं लगता मैंने एडिटोरियल के बहुत ज्यादा रीडिंग करी. अगर कुछ ऐसे काम की न्यूज नहीं मिलती तो मैं एडिटोरियल पे जाता था, एडिटोरियल मेरा लास्ट प्रेफरेंस था. अगर कुछ भी रीडिंग को नहीं मिला तो एडिटोरियल कर ले, मुझे बहुत बोरिंग लगता था पर्सनली, मुझे बहुत बोरिंग लगता था. तो बस यही था कि कुछ भी रीडिंग कर एट ऑल, आपको रीडिंग करनी है, आप नॉवेल पढ़ो कुछ भी पढ़ो. तो आपने इंग्लिश मैक्सिमम भी रीडिंग से आपने इम्प्रूव की, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे आपके ग्रामर हो, लाइक राइटिंग, एवरीथिंग सब मेरा न्यूज़पेपर से ही हुआ. ओके, सो हाउ अबाउट लाइक आपने जैसे हमने प्री क्वालिफाई कर लिया विद 3 सब्जेक्ट्स, उसके बाद हमारे पास जनरल अवेयरनेस का भी एक टॉपिक आ जाता है मेंस पर, उसको कैसे कवर करें? देखिए एक बार फिर से मैं कहूंगा कि शायद अगर 100 स्टूडेंट्स का आप सर्वे ले, शायद 70-80 क्या करते हैं पहले प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करेंगे, अरे भाई रिजल्ट आ जाए उसके बाद करते हैं. अब भाई किसी भी रीजन से रिजल्ट में लेट हो सकता है. मैं आपको बताऊं, जब मेरा 7 का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट था उस साल मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, सिर्फ IBPS PO का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था. तो वहां पे मेरी गलती यही थी कि मैं प्रीलिम्स दिया एंड क्योंकि और कोई एग्जाम निकलता है तो डिसहार्टनिंग होता है हर किसी के लिए, मेरा भी था कि हाँ बुरा तो लगा. तो ये हुआ कि नहीं होगा, तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि जो मैं कर रहा हूँ टीचिंग वीचिंग इसी में कुछ देखते हैं, हो नहीं रहा है. उस साल का ये लास्ट एग्जाम था प्रीलिम्स का, हाँ क्लिरिकल बाकी था, उसके बाद पता नहीं कैसे हो गया. अब क्योंकि IBPS एक कैलेंडर निकाला, उसमें प्रीलिम्स मेन सारी डेट्स दी हुई होती हैं, तो अगर आप प्लान करना चाहो तो पूरा साल आप इतने अच्छे से प्लान करते हो कि कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए. अब क्योंकि मेरा बैंकिंग का फर्स्ट था तो मुझे कुछ इतना आइडिया तो था नहीं. तो ये हुआ कि उस साल 18 नवंबर को मेंस था और जो रिजल्ट आया था 1 नवंबर को आया था. अब जो भी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके पास सिर्फ 17 डेज बचे. अब एकदम से 17 डेज में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है. अब लेकिन क्योंकि वही है कि लेक ऑफ गाइडेंस बोलूँ या कुछ इस तरीके का था नहीं, वही गलती की मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, रिजल्ट सिलेक्शन हो गया, क्वालिफाई हो गया, अब क्या कर रहे हैं, अब मेंस करते हैं, अब मेंस में GA में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें मुझे पहले कर लेनी थी बट मैंने करी. अब GA में क्या क्या आता है वो सारी चीजें, फिर आप PDFs वगैरह निकालते हो, अब क्योंकि मुझे आई साइट का प्रॉब्लम है तो रीडिंग में प्रॉब्लम होता है लैपटॉप पे, तो GA के लिए मैं ऑफलाइन वाला प्रेफर करता हूँ. हालांकि उसका कुछ ऑफलाइन लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन तो ऑनलाइन ही करना, बट क्योंकि आई साइट के प्रॉब्लम होने के से मुझे PDF निकालने में ज्यादा ईजी होता था GA पढ़े लिए. तो फिर आप PDF आ ले, फिर 2 दिन इसमें लिया, बच्चे मेरे पास 14-15 डेज उनमें समाओ पढ़ गए ने उस साल का मेंस दिया. तो ये गलती ना करते ये कहूँगा आपको, अगर लगता है कि आपको बैंक देनी है तो आप पूरा मेंस प्लान करके चलो. अगर अगर ये बैंकिंग एस्पायरेंट जनवरी स्टार्ट करे तो जनवरी के शुरू के 3 को रिवीजन को दे सकता है, फिर जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो आप चाहो तो GA साथ में स्टार्ट कर सकते हो. ये हो कि जब आपका प्रीलिम्स हो गया उसके बाद आपको रिवीजन करना है, आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, आप सेम मंथ का GA पढ़ सकते हो, बट आप ऐसा करो कि आपको सिर्फ रिवीजन, आप कोई नई चीज करने जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ. पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं लीड भी लानी होती है. जब फर्स्ट ईयर मेरा क्वालिफाई हुआ है तो मुझे ये लगता था कि लीड वगैरह कुछ नहीं होता, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. तो जब मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया, अब क्योंकि जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई उनके मार्क्स नहीं दिखाता है IBPS, तो भाई मुझे लीड वगैरह का वैसे भी नहीं पता था. ग्रेजुएशन पढ़ा
30 दिसंबर को रिजल्ट है 2017 में, डेट्स मुझे याद। तो बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू भी ठीक ठाक सा हो गया था, तो बिल्कुल फेब तक मुझे लगा कि मैं पीओ बन गया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं तुम्हें डर रहा था, रियलिटी तो 1 अप्रैल को पता चली जब मैं फेल हो गया। उस टाइम तक लगा कि अरे यार पीओ तो बन गया, फालतू डर रहा था। जब रिजल्ट आया नहीं हुआ, फिर अरे यार क्यों नहीं हुआ। फिर जब वापस से रिसर्च शुरू करी तो पता चला कि बीइंग अ जनरल कैंडिडेट आपको एक अच्छी खासी लीड चाहिए, एटलीस्ट 15 मार्क्स की लीड चाहिए आपको। तो बस फिर लीड पे काम किया। फिर 18 में और खराब पेपर, पहली बार में 4 मार्क्स की लीड आई थी, 2018 वाले में 2 नंबर की लीड थी, इस बार 14.5 की लीड आई थी। तो ये हुआ कि हाँ इस साल अच्छे से हो गया, सारी गलतियों को इम्प्रूव करते करते मुझे 4 लग गए। तो मतलब कि आपने मिस्टेक्स पे बहुत ज्यादा वर्क किया है अपनी, जो आप कह रहे हैं कि मिस्टेक्स। एंड प्लस अगर हम बात करें बैंकिंग की प्रिपरेशन की, अगर IBPS CEO की मैं बात करूं, तो आपको हम कह सकते हैं प्री मेंस ये सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, हम इससे कम ड्यूरेशन में नहीं कर सकते मेंस के प्रिपरेशन। तो आपको पहले से सब कुछ भी नहीं कर सकते, प्लान करके चलनी पड़ेगी जी। अब जैसे इस साल का प्रीलिम्स मैं देखूं कि 3 अक्टूबर को शायद डेट्स आई हैं IBPS PO के प्रीलिम्स की, और मेंस का जो डेट है वो 28th ऑफ नवंबर। अब आप उसके बाद शायद अक्टूबर एंड में रिजल्ट आएगा आपका, तो आपके पास बचते हैं 25 डेज नियर अबाउट, 25-26 डेज। अब उनमें आप 8-9 मंथ्स का GA करोगे, फिर आप रिवाइज नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम है। GA को जितनी बार आप रिवाइज कर लो उतना अच्छा है, ये नहीं कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का उनका भी कर लें उनका भी कर लें, फिर रिवीजन नहीं करोगे वो सब एग्जाम वाले दिन जीरो हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे बैठे रहोगे, बस गिल्ट आता है अरे यार कर सकते थे या क्यों। चलो आपने अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज के बाद में लिखे। तो आपने अच्छा डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कितने लाइक क्या रहता है, स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए ना, कि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के। देखिए डिस्क्रिप्टिव एंड इंग्लिश के प्रिपरेशन को अगर आप मर्ज करके चलोगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो तो आपका एक पर्सनल व्यू होता है किसी चीज़ को लेकर, हर किसी का अलग अलग होता है। तो कोई भी न्यूज़ आपने पढ़ी, अब आप उसको खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो। पहले आप पेन पेपर पे भी लिख सकते हो, बाद में टाइपिंग है आपको जो भी चीज़ें करनी हो कोशिश करो टाइपिंग ही कर लो सीधे सही है। तो जो कोई भी आप न्यूज़ हो उसको आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, तो एक तो आपकी टाइपिंग इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ में फिर आप पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा है चीज़ को लेके। तो वहाँ पे 5 पिक्स आते हैं एक इंटरव्यू के लिए, 5 पिक्स होते हैं लेटर एंड एप्लीकेंट के लिए। तो वहाँ पे आपका पर्सनल भी तो है जो काम करने वाले हैं, आप कुछ रटाया सा ऐसे लिख सकते हैं ना वहाँ पे, आप 2-2.5 घंटे का पेपर दो उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको सोचने का टाइम मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा आप पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करो उतना अच्छा है। जब भी आप न्यूज़पेपर हो तो बस वही है कि उसी के साथ आप डिस्क्रिप्टिव को लेके चल सकते हो, उसके लिए कुछ अलग करना होता है। मींस आप इंग्लिश को ही जिस तरह से प्रिपेयर करो उसमें ही आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी इंग्लिश को अगर आप थोड़ा सा मर्ज करके चलोगे प्रॉपरली तो आप अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, आपको कोई इतना इशू भी नहीं होगा। एंड टाइपिंग को ही शुरू से अगर आप ध्यान देंगे तो वो ठीक रहेगा। देखिए पहले तो आपको ओवरफिडेंट नहीं हो, आप जितनी भी आपकी एकेडमिक हो जितनी भी हो वो कुछ यहाँ पे नहीं आने वाली। यहाँ पे कुछ अभी सीन है प्रेशन का और वो चीज को करके अपने लेके चल जाएंगे। जैसे जेरा एकेडमिक्स है बहुत बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, एवरेज। तो ये था कि बहुत से रेंट हैं जो फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार उनसे बेटर ही होगा। तो बस वही मैंने जो कहा आपको, मैथ्स तो ठीक ठाक थी, रीजनिंग पे थोड़ा सा किया, इंग्लिश पे थोड़ा सा काम किया, फिर ये लगा कि हो जाएगा। तो इवन शायद 17 वाला जब प्रेलिम्स ने दिया है 3 या 4 मार्क्स मैंने दिया हो और उसमें भी नंबर शायद 35 ऐसे करके आए, तो लगा कि हाँ हो जाएगा। एक्चुअल जो चीज़ तो आपको एग्जाम में बताती है ना, तो जब लास्ट वाला मैं बताऊँ, जब लास्ट ईयर आया जैसा मैंने बताया, मैंने सारी चीज़ें शुरू से स्टार्ट की। तो पहले अप्रैल मई का आधा मैंने 1 महीने लिए रिवीजन के, जब वो मेरा रिवीजन हो गया तब मैंने मॉक दिया। अब मॉक में मेरे नंबर 25 या 26, तो मैंने देखा मॉक में नंबर कितने आए हैं। तो देखिए मॉक का जो मार्क्स है उस पर आपको ध्यान नहीं दे,
जो मार्क्स आप क्लियर करेंगे वो आपके मेन एग्जाम के होने वाले हैं, तो आप मार्क्स पे ध्यान दीजिए। आपको बस ये ध्यान है कि जो चीज़ आपको आती वो आपने कर ली, जो नहीं आती वो आप बाद एनालाइज करोगे उसमें लोगे। बस ये है कि जब मॉक्स आओ तो उसमें सेम टेक्स्ट रिपीट नहीं होनी है, इतने पे आपको काम करना है कि वही क्वेश्चन कल गलत हो रहा था, वही क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब मॉक से कुछ भी नहीं सीखा। तो जैसे कि आपने कहा एनालिसिस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि ज़्यादा मॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेने से बेटर है कि आप कुछ ही लें मगर उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से, राइट? यस मैम। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू? इंटरव्यू वाज फैब। इस साल का जो इंटरव्यू था इतना अच्छा हुआ, मैं आपको बताऊँ मेरे 84 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, शायद ही होते होंगे, होते भी होंगे मुझे नहीं पता, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्लस भी मिलते हैं IBPS की। आप प्रीलिम्स करो, मैं करो, अब उनको आपकी नॉलेज करनी थी, वो आपके प्रीलिम्स में चेक कर चुके हैं, उनको आपको इंग्लिश करनी थी, उन्हें आपकी रीजनिंग और मैथ्स चेक करनी थी, वो सारा प्रीलिम्स और मेंस में अच्छे से कर चुके हैं आपको। अब आपको ये नहीं है कि आपको फिर से इंटरव्यू पढ़ना है, अब आपको अपने काम करना है इंटरव्यू में। वहाँ पे आपकी एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है, आप खुद पे काम नहीं करोगे तो वहाँ पे कैसे ही जा सकते ना। कौन से एरिया से जिसमें स्टूडेंट्स को लाइक अपने ऊपर वर्क करना है? जी मैं वही बता रहा हूँ कि जब मेंस हो जाए उसके बाद क्या होता है, जब मेंस का रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स वापस से क्या करते हैं, बैंकिंग पढ़ने लग जाते हैं। अब बैंकिंग का उनको भी आर्यभट्ट के जानना है, बैंकिंग में कुछ भी पूछ लिया, बैंक वो क्या पूछेगा उसे खुद भी पता नहीं होता, उसके माइंड में क्वेश्चन सिर्फ आपको देख के आते हैं। हर कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन वो पूछते हैं। 5 लोग होते हैं वहाँ पे, फीमेल मेंबर होती हैं यूजी और मेल मेंबर्स होते हैं, हर बंदे से क्वेश्चन अलग अलग जाते हैं वहाँ पे। तो जो बंद बाहर वेट कर रहे होते हैं इंटरव्यू के, जैसे ही आप इंटरव्यू देखेंगे भाई क्या पूछा, भाई कैसे पूछा, क्या पूछा, तो मैंने जब मैं देखे ना, मैंने कहा भाई कुछ काम नहीं आने वाले, बस अपने आप को संभालने से जो डर है वो चेहरे नहीं आना चाहिए, बस आप आराम से जाओ ना, आपने मेंस में पढ़ा उतना ही आपके काम आने वाला है। ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ेंगे, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा तब तक के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ेंगे, बस ये मैंने जो किया वो ये किया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग ने करी, और बस यही है। आपको पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा इंटरव्यू में, वो मैं करता है। अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो इनसे कि 20 या 30 मार्क्स शायद लुक्स पे मिलते होंगे, डिफिन मिलते होंगे मुझे ऐसा लगता है, तो आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। आप घर पे बैठे बैठे पढ़ा रहे हो, इतना वेट गेन किया, अब थोड़े जिम विम कर लो, या फिर हर किसी को जो भी लगे, मैंने तो बस एक सजेस्ट किया, तो थोड़ा सा आपको लुक्स पे काम करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और हाँ, नॉलेज मेंस तक आपकी चेक कर चुके हैं, जिन्हें चेक करनी थी जितना वो कर चुके हैं। मीन्स आप जितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि दे विल ऑन द स्पॉट दे विल सी यू एंड दे मैटर करता है, राइट? तो वो आपको ऑन द स्पॉट ही आपको देखते ही क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको लाइक रेडी एंड मतलब जैसे बहुत से लोग डर जाते हैं तो वो उसको कैसे लाइक यू नो हैंडल करके चलेंगे, कई लोग तो बहुत ज्यादा घबराहट हो जाते हैं। देखिए घबराहट नहीं हो रही, बट लास्ट का जो 2 साल फेल्योर था वो मुझे कहीं ना कहीं डरा रहा था अंदर। मैं आपको थोड़ा सा और, जब सेकंड वाला मेरा था IBPS PO का, तो उसमें एक तो मैंने बताया मेंस में 2 नंबर की लीड आई थी। उसके बाद जब मेरा इंटर हुआ उस साल, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स साइड का, कॉम किया है मैंने, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अभी कॉम लिखा हुआ है, अब एक चीज़ और भी है कि 12th PCM था, उसके बाद मैंने कॉमर्स, तो बेसिक चीज़ें तो मुझे नहीं आती, तो मैंने पढ़ी थी उस साल। तो हुआ ये कि जब मैं पहुंचा तो देखा उनके पास पूरा फॉर्म का आपका PDF है, तो उन्होंने देखा ग्रेजुएशन कॉमर्स से इसका, अब वो पूछने लग गए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, पार्टनरशिप में मेनर मेजर क्या होता है, ये मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो वो इंटरव्यू डिजास्टर था, एकदम डिजास्टर। 55 मार्क्स मिले कन्वर्जन के बाद इल्म, तो कहीं ना कहीं वो भी था कि मुझे इंटरव्यू इस साल काम करना था। तो जब मेरा मेंस हो तो उसके बाद मैंने फिर वही सबसे ज़्यादा जो मैंने ट्राई करी थी अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेके करी थी। मैं एस्पायरेंट सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा हो आपको अगर पढ़ना है मेंस के बाद, तो आप उसे एक बार अच्छे से, जो भी मेन हॉट होते हैं हर किसी में हॉट पॉइंट हैं, आप उन्हें रिवाइज करके जाओ। एंड स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो और भी ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, इससे उन्हें दिखेगा कि ये फर्स्ट ग्रेजुएट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं कॉमर्स से, और फिर आपको रेडी रहना होगा उसके लिए। मींस आप
कॉन्फिडेंस तो होना ही होना है, मगर आपको कुछ अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अपने अपने ऊपर वर्क करना है, अपने स्ट्रीम पे जिसमें आपने अपने स्टडीज अपने एकेडमिक्स किए हैं उसको थोड़ा सा आप एक बार ब्रश कर लेंगे तो उससे आपको एक लाइक यू विल बी लाइक बिकॉज वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्योंकि मैक्सिमम मैंने भी देखा कि स्टूडेंट से उनकी स्ट्रीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आता है। और अगर उन्होंने आपके जी मैं ये कह रहा हूँ जैसे ही उन्होंने स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन पूछा आप जैसे ही उस आंसर करोगे तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार ये वाला तो आंसर कर लिया है अब आगे का इंटरव्यू में होने वाला है। कहीं ऐसा हो गया कि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन पूछा और आंसर नहीं कर पाए तो वो बहुत खराब आता है और फिर वो जो डर अंदर से उठता है वो फेस पे दिखने लग जाता है यार इतने क्वेश्चन इसने पूछे थे और मैं तो आंसर कर नहीं पाऊँ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस उन चीजों के लिए आपको पहले प्रिपेयर रहना होगा। और एक चीज मैं और बताऊं कि जो भी इंटरव्यू पैनल के मेंबर हैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, जैसे ही उन्हें लगेगा आप बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहे हो या घबरा रहे हो या आपका बार बार फंबल है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, इवन पानी वगैरह भर कर देते हैं कि टेक इट इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आराम से बैठो, पहले वो आपको इजी कराएंगे तभी आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत होती है, बस आपने जो भाई करिए आप कॉन्फिडेंट रहो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट, बाकी रिजल्ट पर वाले के हाथ में अपना बेस्ट देके जाओ, बाकी रिजल्ट क्या आएगा क्यों सोचना है, जो हमारे हाथ ही नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेशर है, आप वो करके जाओ, आप रिजल्ट सोचते क्यों। बहुत से स्टूडेंट हैं रिजल्ट सोचते हैं अरे यार मेंस ऐसा हो गया हो पाएगा, क्या पता हो ही जाए, है ना। तो रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे में सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिपरेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन बारे में ही सोचना है, रिजल्ट बारे में नहीं सोचना। चलिए तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो आपके बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको कह रहे थे कि भाई मेरा नाम भी ले देना, तो आप उनका भी नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं कि कौन कौन है थे आपके जो सपोर्ट में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपके इस प्रिपरेशन आपकी स्ट्रगल के दौरान। देखिए होता है ना कि आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वो चीजें पॉसिबल नहीं होती, हर किसी के होते होंगे, मेरे साथ मतलब यहाँ तक पहुंचने में इतने लोगों का है कि मैं जितना भी जो करूँ उन्हें वो काम है। और भाई फैमिली तो होती है, फैमिली की चीज होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, लेकिन फ्रेंड्स हैं जो तो मीन्स कभी छोड़ते नहीं है। तो मेरे तो मतलब यहाँ पहुँचाने में इन्हें लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं बता सकता सबसे पहले स्टार्ट करूँ कि जब मैं ट्यूशन पढ़ा था तो ट्यूशन क्या होता है, आप टीचर हो आप जहाँ पे नहीं चाहते हो वो गार्जियन, तो कुछ ऐसा पर्सनल और रिलेशन हो नहीं, बट मुझे एक गार्जियन मिले जो जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था मैं नाम लेने का विद्याभूषण और सम मैम, तो मेरे लिए वो गार्जियन के लिए मैं टीचर था, लेकिन ऐसा पर्सनल रिलेशन डेवलप हुआ कि मेरी फैमिली गई। वो अभी क्या है इतना मानते हैं वो मुझे कि मैं आपको बता सकता, तो यहाँ तक पहुँचाने सबसे पहले वो एक बहुत बड़ा थैंक यू। एंड उसके बाद एक मेरे भैया हैं जो केनाइंग में है विशाल भैया, वो इंटरव्यू उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए कोई ज्वाइन नहीं करी थी, तो क्या होता कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते थे पे और मैं हाथ में कोई रजिस्टर या फाइल के तरीके से मैं रूम में एंटर करता तो पूरा एक जो मॉक इंटरव्यू सा होता है वो लेते थे, तो जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते वो भैया पूछते थे और भाभी से बोल देते थे कि कुछ भी इनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछो, कुछ भी एनीथिंग जो माइंड में आता हो कुछ भी वो आप इनसे पूछो। तो भाभी पर क्वेश्चंस पूछती थी, भैया बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, तो इस तरीके से दो या तीन मॉक करते थे तो थोड़ा सा हेजिटेशन बाहर आ जाता था। अगर किसी के पास तरीके का नहीं है तो आप उसको भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रेंड सामने बैठा लो एक क्वेश्चन पेपर में लिख के दे दो, ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, इनमें से जो भी मन करे वो पूछ दो, तो आप ऐसे भी हेजिटेशन अपनी ड्रॉप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करोगे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के ओनली दैट विल, ऐसा भी नहीं है, तो अपने तरीके से उनको कर सकते हो, बस सोचने का होता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप भीड़ की तरह होगे भाई, देखिए ऑर्डिनरी सब हैं आज के टाइम पे, मेरा मानना है ऑर्डिनरी सब है, सिलेक्शन उसी होगा जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आएगा, तो बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको करनी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस बाकी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको मैं जो बोलना चाहूँगा, हर तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की और जैसे मुझे चाहिए था जो भी चाहिए थी वो मेरे घर आके देते थे। एक मेरा फ्रेंड वो एक सीए फर्म में जॉब था,
तो प्रिंट आउट रिलेटेड बहुत हेल्प की उसने, बहुत हेल्प की। किसी भी चीज़ का मुझे प्रिंट चाहिए होता था, मैं उसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज देता था, शाम को वो मेरे घर पे लेके जाता था। एक मेरा फ्रेंड है अंकित, उसने भी हर तरीके से बहुत हेल्प करी। अभी जैसे घर पे, जैसे मेरी 5 sisters एंड बड़ी फैमिली है मेरी, सिस्टर्स हैं, फिर भैया हैं, फिर मैं हूँ। तो इस समय दीदी आई हुई हैं, उनके बच्चे हुए थे, तो घर पे काफ़ी शोर सा रहा था। तो अभी मैं अंकित क्या हूँ, उसने पूरा देखिए सब कुछ, लाइटिंग वाइटिंग उसने करी है। अभी जब लिंक आया था उसने वो अपना जूम चेक कर रहा था, फेस कैसा है, एंगल सही है कि नहीं, लाइटिंग कैसी है, तो सारा कुछ उसने किया। बच्चे और आदर्श, एक आदर्श और है, इससे मैं कितने नाम लूंगा, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सब ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं दिल से हर किसी का थैंक यू करना चाहता हूँ, और थैंक यू तो बहुत ऐसा वर्ड हो जाएगा, लेकिन तो दैट्स ऑल आई कैन, तो बस बहुत बड़ा थैंक यू हर किसी को जिसने मेरी हेल्प। तो अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आई होप कि आपके और बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जो भी आपके विश हैं या आपके ड्रीम्स हैं आप उसको फुलफिल कर पाए। तो बहुत मजा आया विपिन आपसे बात करके, क्योंकि आपने मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि आपने क्या नहीं करना, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि डांट के बच्चों को समझाया कि ये नहीं करना है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज लाइक होता है। सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, शुड आई? या श्योर, ओके, मैं बताऊंगा। कैमोमाइल टी विद टॉप्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर किसी को भी, भाई आप कोई यूपीसी का बंदा हो, मेडिकल बंदा हो, बैंकिंग का हो, हर किसी के इंटरव्यू यहाँ पे अवेलेबल। अब जरूरी नहीं है आप वीडियो देखो, बट होता है ना कुछ वीडियोस टच कर जाती हैं जिनको एक फील करते हो कि अपने टाइप की वीडियो है। अब जैसे कनिष्क सर की हो गई, कनिष्क कटारिया सर, एक गुरविंदर सिंह के एक सर आए थे कुछ दिन पहले, उनका इंटरव्यू हुआ था। तो ये कुछ मेरे इंटरव्यूज थे जिन्हें देखता था, जैसे ऐसा नहीं मुझे लो फील हुआ, हालांकि मैंने काफी काम किया, बट मुझे भी लो फील आता, मुझे भी डिमोटिवेशन आता था समटाइम्स। यही है, हर किसी का अपना सोर्स होता है। मेरा तो ये बहुत बड़ा सोर्स था, जैसे ही थोड़ी लो फील हुआ, कोई भी एक इंटरव्यू लगा, देखा, एक इंटरव्यू मोर देन होता है आपके मोटिवेशन के लिए। आपने उसको देखा, फिर से शुरू हुए वापस से, और 200% काम का लग गया। तो मैं तो कहना चाहूंगा कैमोमाइल टीवी टॉप प्लेटफॉर्म को, आप सब लोगों को एक बड़ा थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे करता हूँ। तो पूरी टीम को एक बहुत बड़ा थैंक यू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स के। Yes, seriously, like, yes, seriously happy to have you on your show, कि आपने भी बहुत अच्छा मुझे टाइम दिया, seriously thank you so much। अभी एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, ठीक है, बहुत क्विक आंसर्स देने आपको, ओके? तो छोटा सा, ओके, जस्ट सम क्वेश्चन, तो ओके, जस्ट टेल मी इफ यू हैड वन सुपर पावर, तो लाइक क्या सुपर पावर आपको मिलता, क्या कर? कोई ऐसी अगर सुपर पावर कि मैं फ्लाई कर सकूं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे टाइम नहीं, मेरा मन टाइम पहुंच का, जैसे ही मैं आईज क्लोज ओपन करूं वहां पे मैं, तो अगर फ्लाई करने का पावर मिल जाए तो बहुत है। वाओ, नाइस, यूनिक, बहुत अच्छी है। ओके, सो व्हिच वाज योर प्राउडेस्ट मोमेंट, सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? प्राउडेस्ट मोमेंट वाज जब रिजल्ट अपने पेरेंट्स को बताया एंड उनके फेस पे एक स्माइल थी और उनकी आंखों में टीयर्स थे, तो वो जो एक्सप्रेशन के फेस पे देखा मैंने, वो मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट था। ग्रेट, अपने सिलेक्शन से भी। हां, तो पेरेंट्स को आप प्राउड फील करा दो, लाइफ का सबसे बड़ा एक ड्रीम होता है हर एक बच्चे के लिए, दैट्स नाइस, सबसे बड़ा अचीवमेंट है एक्चुअली के लिए वो। सो विपिन, व्हिच वाज द लास्ट बुक यू रेड, आपने लास्ट बुक कौन सी रीड की अभी रीसेंट? बुक्स रीडिंग तो मैं एक्चुअली करता नहीं हूं, तो मैंने कोई करी नहीं, इधर में तो कोई नहीं करी। लास्ट मूवी कौन सी देखी आप? लास्ट मूवी द स्काईस्क्रैपर, ड्वेन जॉनसन की। अभी मूवीज तो इतनी देख ली हैं सिलेक्शन के बाद, तो पूछे ही मैं थोड़ी जैसे भड़ा से कर देखी 3 साल की कि हाँ बस अब मूवीज देखना है, वेब शोज देखने हैं, बस अब दो देखो, अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बस बहुत सारी मूवीज देखी इधर में मैंने। Like,
What is your next step? What are you planning for the next step? Planning क्या मैम, बस planning यही है कि अभी तक studies में अपना 200% दे रहा था, अब organization में job लगी है तो अब यहाँ पे मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ या दूंगा आने वाले time में. बस अभी preparation अपनी best level पे करी है, अब काम अपने best level पे करूँगा. So Vipin, that was really nice talking to you. We have like a you कोई message आप अपने हमारे students को देना चाहेंगे? लेकिन मैसेज यही है कि आप बैंकिंग सेक्टर ऐसा है, बहुत फैसिनेटिंग है और जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं. तो आप सिर्फ इसलिए बैंकिंग चूज मत करो क्योंकि ये फैसिनेटिंग है या फिर क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं. आप कोई भी चीज़ इंटरेस्ट के साथ करोगे वो करना कहीं ईजी हो जाएगा, आप ज़बरदस्ती करोगे उसके. अगर आपने बैंकिंग सिर्फ इसलिए चूज करी है कि आपको जॉब चाहिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होगी. एंड अगर आप इसलिए चूज करते हो कि हाँ बैंकिंग इज फॉर मी, अगर आपको लगता है कि हाँ बैंकिंग इज फॉर मी, तभी आप बैंकिंग के लिए जाइए और तभी जब आप प्रिपरेशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर पाता है. तो बस यही है, पहले तो आप अपने अंदर बिलीव लेके आओ कि हाँ आप कर लोगे. जब तक आप बिलीव ही नहीं ला रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा बट कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए बैंकिंग कर लेते हैं, तो नहीं होने वाला. आपको सबसे पहले बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप तभी बैंकिंग स्टार्ट करिए. तो सबसे पहले तो आप एक बिलीव डेवलप करो कि हाँ दिस इज फॉर यू, आप ये कर सकते हो तो आपका हो सकता है. आप ऐसे सुनी सुनाई बातों में जाके बैंकिंग चूज करोगे तो आपका नहीं होने वाला. तो सबसे पहले एक बिलीव लेके आइए कि हाँ आप अपने आप को अंदर से पीओ मानिए. मैं अपने आप को अंदर से पीओ मानता था कि मैं हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं था लेकिन मैं अंदर से जो सोचता था कि हाँ मैं पीओ हूँ, बस बैंक का नाम नहीं है लेकिन हाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ मैं अंदर से, ऐसा मैं सोच के चलता था. तो वो दिखता था, शायद मेरे फेस पे दिखता होगा या मेरे बॉडी लैंग्वेज में दिखता होगा, मेरी प्रिपरेशन में दिखता होगा. तो आप ये मान के चलो कि आप हो, तो फिर एक्शंस भी आपको उसी तरीके से कर देंगे. जब भी आप डिमोटिवेशन फील करो आप आइज क्लोज करो, आपको अपना केबिन दिखना चाहिए, आपकी टेबल दिखनी चाहिए आइज क्लोज करके. तो बस यही मेरे साथ होता था, मैंने लो फील किया ऐसे आइज क्लोज करे, मेरे सामने मेरा केबिन है, मेरी टेबल है, मेरे चेयर है, बस मजा आ जाता था कि हाँ यही तो चाहिए मुझे, बस और डबल मेहनत में करने लग जाता था. तो बस ये है कि सबसे पहले एक बिलीव आप डेवलप करो फिर आप आगे बढ़ो प्रिपरेशन में. दैट्स वेरी नाइस. सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. सो विपिन, वी हैव अ ट्रेडिशन ऑन आवर सीडब्ल्यूटी दैट यू हैव टू टैग वन ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक जो जिनसे हम नेक्स्ट एंड इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन से बारे में उनकी स्टोरी जान सकते. सो हु यू लाइक टू टैग? एक्चुअली मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिनका मेरे साथ में सिलेक्शन हुआ है, एक कुशाग्र, उसका भी इलाहाबाद बैंक में ही सिलेक्शन हुआ है, और एक निमिषा निगम, उसको बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है. तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी आएँ और अपना इंटरव्यू अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शायद एस्पायरेंट्स के लिए अच्छा होगा. तो निमिषा एंड कुशाग्र. और हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे एंड उनको एक तो सही लाइक वो आप टॉपर्स जो होते हैं जो एक सही रास्ता दिखाते हैं और वो आप लोग भी लाइक यू कैन फुलफिल योर ड्रीम. सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू विपिन, आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा. आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स को, जो एक छोटे छोटे पॉइंट जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं मुझे लगता है, वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया कि ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है. एंड दैट वाज रियली नाइस. एंड आई विश कि आपका जो नेक्स्ट ड्रीम है कि आप हमारे ऑफिस में आके SPIPO का इंटरव्यू करें SPIPO के बाद, तो वो भी हम नेक्स्ट ईयर आपका वेट जरूर करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. मुझे भी बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके. एंड CTWT टीम को एक बार फिर से बहुत बड़ा थैंक्स, आपको थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके. थैंक यू.